नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भागलपुर बड़हरवा के बीच तीसरी रेल लाइन बिछने की स्वीकृति रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है, जहां पर दोस्तों भागलपुर किउल, भागलपुर दुमका और किउल झाझा रेल लाइन का स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सबको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हमेशा रेलवे से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। बड़हरवा से भागलपुर के बीच तीसरी रेल लाइन की स्वीकृति भी रेलवे बोर्ड ने दे दी है। बाकायदा 2023 से लेकर 2024 के आम बजट में वित्त मंत्री ने इस प्रस्तावित रेल लाइन को सर्वे के लिए राशि प्रावधान भी कर दिया है। 137 किलोमीटर का सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा बजट में विक्रमशिला कटरिया रेल प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ दिए गए हैं। बजट से इस बार 10 करोड़ अधिक दिए गए हैं। हालांकि इससे बहुत काम नहीं हो सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को रेलवे ने अन्य प्रोजेक्ट के तहत जिंदा जरूर रखा है। बजट का पिंक बुक जारी होने के बाद पूर्व मध्य रेलवे के CPRO नरेंद्र कुमार ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार भागलपुर किउल, भागलपुर दुमका, भागलपुर किउल झाझा रेलखंड पर तीन जगहों पर प्रस्तावित बाईपास के लिए बजट में 90 करोड़ रुपये प्रदान किया गया है। हालांकि यह तीनों बाईपास पहले से प्रस्तावित हैं, लेकिन राशि के अभाव के कारण इसका काम रुका हुआ था। तो दोस्तों, भागलपुर किउल, भागलपुर दुमका और किउल झाझा को लेके पिछले बार ही 90 करोड़ की राशि दी गई थी, जहां पर दोस्तों पैसा की कमी के कारण इस काम को पूरा नहीं किया जा सका। दोस्तों, अब आप सबको भागलपुर किउल, भागलपुर दुमका और किउल झाझा के बीच तीसरी लाइन भी देखने को मिलेगी। अब इन राशि से तीनों जगहों पर सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा कुछ जगहों पर बाईपास बनाना है, इसका भी सर्वे होना है। भागलपुर रेल एरिया में जहां बाईपास बनाना है, उसमें घनौरी के पास एक लाइन बनेगी जो झाझा रेल लाइन में मिल जाएगी। वही लैलक के पास एक बाईपास बनाई जाएगी जो खुतवाहा के पास निकल जाएगी। इसके अलावा पीरपैती, रामपुर हाट, कटवा, हजडियाँ और बाराहाट में भी बाईपास बनेगा। बाराहाट के पास जो बाईपास बनना है, उसमें बाराहाट मंदार हिल रेल लाइन से एक बाईपास लाइन निकलेगी जो बांका रेल लाइन में मिल जाएगी। इससे मालगाड़ी का परिचालन आसानी से हो पाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग 5 पॉइंट पे जान लेते हैं आज का क्या मुख्य अपडेट था। 151.5 करोड़ जसीडी पीरपैती नई रेल लाइन के लिए स्वीकृति की गई है। 20 करोड़ विक्रमशिला और कटरिया नई लाइन के लिए स्वीकृत की गई है। 11.3 करोड़ रामपुर हाट तीसरी लाइन के लिए स्वीकृत की गई है। 5.2 करोड़ भागलपुर पीरपैती दोहरीकरण ट्रेन का जो काम बचा हुआ था, उसके लिए स्वीकृति की गई है। और सबसे मुख्य जानकारी, 137 किलोमीटर भागलपुर और बड़भरा के बीच तीसरी रेल लाइन का काम शुरू होगा और उसके लिए भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तो दोस्तों, आई होप कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सबके नज़दीकी एरिया का जो भी रेलवे अपडेट हो, वो आप सब तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए गाइस, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।